नमस्ते हबीबी। ये लगभग 130 साल पुरानी बात है। साल था 1889। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ था। उस एग्जीबिशन के लिए आइफेल टावर बनाया गया था। उसके बाद आज तक आइफेल टावर वैसे का वैसा ही है। और ऐसे ही एग्जीबिशन में टीवी, मोबाइल, टाइपराइटर, इस सब का एग्जीबिशन हुआ था। और आज आप देख रहे हो कि हर कोई उसको यूज कर रहा है। और वो एग्जीबिशन था एक्सपो। तो उसके बाद अलग अलग शहरों में और दुनिया के अलग अलग जगह पे एक्सपो होने लगे। जो पहला एक्सपो था उसमें सिर्फ 30 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन इस साल जो एक्सपो 2020 है, जो दुबई में होने वाला है, उसमें 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक 1889 की बात क्यों आई, आज अचानक फ्रांस की बात क्यों आई। तो आज हम हैं दुबई एक्सपो 2020। लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से एक्सपो पोस्टपोन हो गया और अभी ये है एक्सपो 2021। ये जो एक्सपो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। उसके लिए इन्होंने 3 अलग अलग पवेलियन रखे हैं। मोबिलिटी पवेलियन, सस्टेनेबिलिटी पवेलियन और है अपॉर्चुनिटी पवेलियन। तो अभी तक सिर्फ जो पहला पवेलियन है, मतलब सस्टेनेबिलिटी पवेलियन, उसका आज इनॉग्रेशन है। और सिर्फ नमस्ते हबीबी के एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर के लिए हम पहली बार लेके आए हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ सस्टेनेबिलिटी पवेलियन। तो अभी ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और सीधा जाते हैं सस्टेनेबिलिटी पवेलियन। एक्सपो 2020 जो अक्टूबर 2021 में शुरू होने वाला है, वो दुबई के आउटस्कर्ट्स में एक एक्सपो सिटी बनाई गई है, वहाँ पे होने वाला है। उसके लिए एक अलग से मेट्रो रूट भी बनाया गया है, तो आप मेट्रो से, बस से या फिर खुद के कार से वहाँ पे जा सकते हैं। इस पवेलियन में 2 पार्ट है, अंडर द फॉरेस्ट और अंडर द ओशन। अभी हम अंडर द फॉरेस्ट जाने वाले हैं। इस सेक्शन में उन्होंने कोई फॉरेस्ट होता है वैसे ही क्रिएट करने का ट्राई किया है। मतलब आपको लगेगा कि आप सच में किसी फॉरेस्ट में हो। तो जंगल में होने वाला आवाज़ वो, या फिर जंगल में होने वाला रोड, वो सब इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। शायद ये मोबाइल पे या शायद ये वीडियो पे आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा या फिर आप वो एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, जब मैं वहाँ पे था तब मुझे लगा कि मैं सच में किसी फॉरेस्ट में हूँ। इसके बाद हम क्रिएटिव सेक्शन में गए। क्रिएटिव सेक्शन इंफॉर्मेटिव और एक्सपेरिमेंटल था। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थे और आपको क्वेश्चन पूछे गए, जिससे इन्होंने डेटा एनालाइज किया। इस सेक्शन में हमको बताया गया कि ह्यूमन जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसका नेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम वो नहीं यूज करें तो उससे नेचर को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मॉडल, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होने के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और प्लास्टिक को कम करने के बाद क्या होगा, तो ये इस मॉडल में दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये था एक्सपो 2020 और उसमें से तीन पवेलियन में से एक पवेलियन और उसका भी एक पार्ट। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा और इतना ग्रैंड स्केल पे है कि जो आपने अभी तक देखा वो सिर्फ 5% है। तो जैसे जैसे नया कुछ रिलीज होता है या मुझे कुछ अपडेट मिलती है तो मैं ये साइट पे आके आपको सबसे पहले दिखाने का कोशिश करूँगा। तो ऐसे अपडेट अगर आपको मिस नहीं करने हैं तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे थे नमस्ते।